करते हैं अगली बड़ी खबर का। फोर्टिस अस्पताल में विवाद का मामला, मामले को लेकर निजी चिकित्सक आंदोलन की राह पर हैं। जेएमए सभागार में डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। मीटिंग में निजी अस्पतालों के पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी, हड़ताल जारी रहेगी। अगर इसके बाद भी नहीं लिया गया मामले पर कोई एक्शन, तो अभी तो जयपुर में कार्य बहिष्कार किया गया है, फिर पूरे प्रदेश भर में निजी अस्पताल लामबंद होंगे। तो डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर है। फोर्टिस अस्पताल में मारपीट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर डॉक्टर से मारपीट की गई थी, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश के डॉक्टर लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई इस मामले में, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। जो आक्रोश है अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमए सभागार की बात करूं तो यहाँ पर सभी जो चिकित्सक थे, इसके साथ ही जो पदाधिकारी एसोसिएशन के, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर जो निर्णय है वो ये लिया है कि जब तक जो मामले के अंदर जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी, तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जयपुर के जो सभी निजी चिकित्सक हैं, उसके अस्पताल हैं, वहां पर कार्य जो है वो बहिष्कार करने की जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। हम बात कर लेते हैं पदाधिकारी भी हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से घटना हुई थी और घटना के बाद में अभी आपने मीटिंग भी करी है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, किस तरीके से? निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है, यदि गिरफ्तारियां आज नहीं होती हैं तो ये संपूर्ण राजस्थान और राज्य व्यापक बंद होगा। हम पुलिस महकमे से गुजारिश करेंगे, हमारी मांग है ये कि तुरंत इसमें गिरफ्तारियां की जानी चाहिए। सेक्शन नॉन अवेलेबल है, सेक्शन 3 और 4, जो कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की और जो कमेटी थी उसकी देखरेख में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आईएमए के साथ और अन्य चिकित्सकों के साथ बैठकर बनाया गया था, वो हर थाने में चस्पा हो चुका है। और वो नॉन अवेलेबल सेक्शन है ये, इसमें सेक्शन 3 और 4 के अंदर अगर आप किसी भी चिकित्सक पे अभद्र व्यवहार करते हैं या उसके ऊपर हमला करते हैं, शारीरिक हमला, तो वो नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती वारंट है और इसमें अरेस्ट तुरंत होनी चाहिए, इसमें देरी का कोई कारण बनता ही नहीं। ये धीरे धीरे देरी का कारण यहाँ पर नहीं बनता, लेकिन सर जिस तरीके से वापस आंदोलन की राह पर जा रहे हैं, एक तरफ से मरीजों की भी जो परेशानी है वो आज भी बदतर वो बढ़ने वाली है, किस तरह देखते हैं? अभी जयपुर में ही ये जो हड़ताल आपने स्टार्ट की है जयपुर में ही, और उसके बाद में क्या प्रदेश में भी आगे रहेगा अगर मांगे वांगे कुछ नहीं मानी जाती? तो देखिए, हमेशा ये देखा गया है, हम लोग तो मरीज के हित में ही काम करते हैं। इस मैटर में भी यही था, जो हमारे डॉक्टर हैं वो पेशेंट की लगातार उसके कांटेक्ट में थे, उसके अटेंडेंट के कांटेक्ट में थे, उनकी सेवा ही कर रहे थे। मैं सब कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही भी नहीं रही। फिर भी इस तरह से मारपीट करना तो भसना योग्य ही है और ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम कहाँ बैठ के मरीज देखें, हम तो कहीं सुरक्षित ही नहीं है, तो हमारी सुरक्षा के बारे में भी तो सोचें, फिर आवाज़ उठाने का और कोई तरीका ही नहीं है। पहले भी जितनी बार इस तरह की बात हुई, उसमें आंदोलन तक भी किए गए, तो भी कल्प्रिट की कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। तो एटलीस्ट कोई मैसेज तो हम भी अपनी तरफ से सरकार को दें तो कैसे दें, प्रशासन को दें तो कैसे दें, और कोई रास्ता हो तो आप बताएं।